देखिए आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, दो नाव की सवारी कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। यहां पर देखिए, दो नाव की सवारी, यहां पर बहुत अर्थों में हम ये बात कह रहे हैं, बहुत अर्थों में कह रहे हैं। अब आपके माइंड के लेवल का है कि आप कहां तक सोच पाते हैं। यहां पर एक तो इस अर्थ में कह रहे हैं हम कि दो लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इस अर्थ में कह रहे हैं। अगर दरोगा है तो दरोगा ही है, अगर डीएसपी है तो लक्ष्य डीएसपी ही है, अगर लक्ष्य यूपीएससी है तो यूपीएससी ही है, दूसरा कुछ नहीं बनेंगे, ये होना चाहिए। इस संदर्भ में हमने आपको बोला है। और दूसरा संदर्भ जैसे देखते हैं, बहुत सारा बच्चा है। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास ही पढ़िए, ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे पास ही पढ़िए, हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं आपको किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए। देखिए अगर दो को फॉलो कीजिएगा ना, ना इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा, कभी उसका पढ़िएगा कभी इसका पढ़िएगा, ना उधर कंप्लीट हो पाएगा ना इधर कंप्लीट हो पाएगा। फिर तीसरा जो ये शब्द हमने आपको कहा है, किताब को लेकर भी हमने कहा है, किताब भी सीमित रहना चाहिए, रूम में किताब सीमित रहना चाहिए, हिस्ट्री का एक बुक रहना चाहिए, पॉलिटी का एक बुक, ज्योग्राफी का एक बुक, साइंस का एक बुक, करंट का एक बुक, हर सब्जेक्ट का सिर्फ एक एक बुक रूम में रहना चाहिए, दो दो बुक तो कभी रहना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थी ये सब गलती करता है। दो नौ की सवारी कहने का मतलब किताब के संदर्भ में भी हमने ये कहा, किताब के संदर्भ में भी, एक तो लक्ष्य के संदर्भ में हमने कहा, दूसरा टीचर के संदर्भ में हमने कहा, तीसरा किताब के संदर्भ में हमने आपको कहा। लेकिन आप इन चीजों को नहीं समझ पाइएगा अभी। देखिए जब तक आप असफल नहीं होंगे ना, तब तक हमारी बात जो है ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक बार असफल हो गए ना, सब चीज सूझ जाएगा, सब चीज दिखाई पड़ने लगेगा, और तब याद कीजिएगा आप। और विद्यार्थी कहां जाएगा, कहीं जाएगा भी ना, लौट के आएगा मेरे पास उतना है, हम उतना देते हैं कि आएगा वो, उसको सफल होना है तो उसको आना होगा ज्ञान बिंदु, चाहे वो जैसे आए जिस रूप में आए, समझे। तो इसलिए दो नौ की सवारी कहने का मतलब मेरा ये है, अब संभलिए, सतर्क होइए, कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है, वैकेंसी बहुत कम आने वाला है और कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है, इसलिए अब भी संभलिए। गौतम बुद्ध विवाह शादी कर लिए तो क्या ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो इतना समय गुजर गया तो क्या अब आप नहीं संभल सकते, संभल सकते हैं, संभलिए अब भी।